अगर इस तरह कोई संख्या और उनका वर्गमूल पता करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक और दो कितना होता है? तीन। तीन इसका आंसर होगा। देखो, एक का क्यूब कितना होता है? एक। दो का क्यूब कितना होता है? आठ। एक और आठ कितना हुआ? नौ। नौ का वर्गमूल क्या आएगा? तीन। वैसे इनका करना क्या है, वर्गमूल पता करना, तो इनको जोड़ देना है। एक और दो कितना होता है? तीन। तीन और तीन छः। इसका आंसर क्या आएगा? छः। इसके कितना? एक और दो कितना होता है? तीन। तीन तीन छः, छः चार दस। इसका है दस। और इसका एक दो तीन छः, छः और चार दस, दस और पाँच पंद्रह। इसका कितना आएगा? एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस। तो वर्गमूल पता करने का, इस तरह कोई संख्या तो वर्गमूल पता करने का आसान, सबसे आसान तरीका है।